अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको चारसदा में पेशावर के से बाहर एक जगह पर लाए हैं जहां पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, गुड़ की प्रोडक्शन हो रही है शुगर कैन से। तो हम आपको यहां के मकामी जो लोग हैं उनसे मिलवाते हैं, वो आपको सारा तरीका बताएंगे इंशाल्लाह, तो आप साथ साथ रहिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी सिंह, इताज व खैर दे जी। दादी अवल मंगा गनी रहूँ गनो नपस अलावा ब्या की न ब्या अलाजी व तरगा को रवा नकु ब्या तलब त उबुजी द उबु नपस ब्या द तलाव तलाव तरगा की ब्या कड़ीता फ्रूजी अगे पास ब्या तकरीबन के दो घंटे और बलीगी ब्या वत गुड़ी राशि गुड़ी व तकीनी मसाला मसाला की सी आ वतवा की आवतवा की ब्या की ब्या पुर रोबा से तकरीबन ध्वनि में घंटे के पुर तैयार की ध्वनि में गिनती के पूर्व तैयार थी ब्याह तकीन कसरे रोबासी और अगे तकीन चके कही बस दगा तो मंगा कसम जाओ दगा तो मंगा रोजगार दे और पदे के तो मंगा लखा रिजक खुदा पा करा कही मंगा पा दगा कही बस दगा खबर दादा मंगा खपा कार दे डॉक्टर पर देखो तो दा अला जिला के दिल दा मशीनरी दा दे तब तो कसम फिर मारान वाला रही गनी और कही दबार नम का नहीं रो रू और द पटो नंबर काऊ का नेर उरू और देख मंगल का मतलब कि पल दगा कऊ लका मंडा था कि सद गई अप के कऊ ब्या मंडा तक के तैयार रखी ब्या गाड़ी तरेंगु को राशि गुड़वा चो पेहर चला रखी आप चार सद ये चला रखी और दगा कार दे मंगल तरफ ना सलाम अलैकुम। द तलाव न कड़ी तलाव रखी प्रूजी ब्याह वत जोकमार आल तक नास्ती और बली बने वत चालू भी यव तो बिजली बने दा और यव तो जनरेटर बने दा कि बिजली ला रखी तो जनरेटर बने वत रवाना छी कि बिजली लगाई न ब्याह वत बला द जनरेटर बने रवानी दा पटे आओ ब्याह चीन लगा गुरु वत नास्ती हो इंतजार कई गार माल आखिर में ते मिली ते अली दगा शान पदी तरीका लग दा संग चोत वाला दे ब्याह दा पुर पे से तकरीबन पद्वनी में घंटे की या पदरे घंटे की ब्या पस दागे ने ब्या कर गुड़ी रावा थी अथरे था अथर के ब्या चीन लड़ी रहा लड़ी आगे न रखा गुड़ टिंग छो जोड़ से तैयार थी वो चीज उस वक्त कसान नाश्ती चके कही है दास वक्त ख्याल के दास रू पिंज कसान दी तेरा गुण थी और दा चके कही ब्या दा तकरीबन चिन्ह घंटा की या द्री पाव के दा ऊँचे थी ब्या बूझे के वहाँ चाहिए फस दागे ने ब्या राशि सड़ी वे गंडी कि वे गंडी बस गुड़ते खोटा लिखी गई कल जमशी दो लस या दयालस पूरे जोड़ सी ब्या रेंगू के गाड़ी तर राशि ब्या या के चार से देते हुए कपे खबर चल ब्या दाग एक पल अखवा खा सलामुअलैकुम सलामुअलैकुम। आजी साहब ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन की, यकीन करते हैं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आप, उम्मीद करते हैं पश्तों में समझ गए होंगे, ये बहुत ही मेहनत का प्रोसीजर है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा इनसे, तो आप देख सकते हैं जी, तो ये देख ले माशाल्लाह जो गांव का माहौल होता है बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत का काम है। तो माशाल्लाह अंकल शमस भी यहां पे आए हुए हैं, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही एंजॉय किया यहां पे माशाल्लाह। ये तारिक साहब की बहुत सारी मेहरबानी है तारिक साहब की जी, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और अल्लाह ताला एक अच्छा सा नेक सा बेटा था करे और हमें खुशी नसीब हों। और ये हमारे हमें लाए हैं इधर, बड़ा बड़ा इन्जॉय किया हमने, बड़ी अच्छी अच्छी जगह देखी है और अभी ये जो है एक बड़ी अच्छी जगह पे फसलों में ज़मीनों में आकर बैठ गए। मसूद जान मसूद जान की जगह पे हम यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह, इनके गन्ने के बाद जो काश्त करते हैं यहाँ पे, इस दफ़ा इनका ये सीज़न हो गया और ये अभी वो वहाँ पे जो सीज़न है वो जारी है। लाइव स्ट्रीमिंग हमने आपको दिखाई इस तरह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मज़ीद आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वक्तन फवक्तन आपको सैनिटरी के मुतालिक भी आपको वीडियो से जो बनाते रहेंगे, मज़ीद जो
मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जहाँ पर आप लोग लुफानंदोज़ हो चुके हों या हो जो तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी वीडियोज़ लाएँगे आपके लिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।